धरती हाँ। माँ को बोलते हैं कहो कि चलाइयो और सूरज भगवान के बोलते हैं धर्मेश बाबा। हम लोग माने मूर्ति का हम लोग पूजा नहीं करते हैं, हम लोग पृथ्वी का पूजा करते हैं, हम लोग धरती माँ का माने हम लोग पूजा करते हैं और सूरज भगवान का और माने तीन हम लोग तीन चीज का पूजा करते हैं, पहाड़ पर्वत नदी नाला और धरती माँ का। ज्यादा हो गया, तीन से ज्यादा हो गया नहीं भैया वो बात नहीं, सूरज भी था पृथ्वी था और पहाड़ भी था नाला भी था। नाला मतलब नदी हाँ, हाँ, नदी मतलब नदी हो गया नाला नहीं हो गया हाँ, नदी नाला बोले तो एक ही हुआ नदी को, पहाड़ पर्वत बोले तो वो एक ही हुआ और पृथ्वी बस चार गो नहीं मतलब नदी और नाला एक ही हुआ, पहाड़ पर्वत एक हो गया और सूरज पृथ्वी नदी नाला में तो यही शामिल हुआ ना मतलब पृथ्वी को। अच्छा 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 इसको क्या फिर हटाना पड़ेगा लिपना पड़ेगा ना हाँ ये निपाई होगा। अब तो कहो कि हम लोग सोच रहे हैं कि मैंने मैंने कमे से करेंगे अगला बार हम लोग करेंगे जोना पाही, रात रहेगा प्रोग्राम दिन रहेगा प्रोग्राम। रात को कहो कि हम लोग मैंने जैसे कि ये झंडा है ना झंडा हम लोग मैंने बदली करेंगे और रात को मैंने जैसे कि हम लोग अपना मैंने समाज में रीति रिवाज है ने शादी ब्याह को मड़वा जगा कर वो चीज़ हम लोग दिने दिन अब बच्चा लोग सब भूलते जा रहा है उसी को हम लोग मैंने हाँ याद करने के लिए रात को हम लोग प्रोग्राम वही रखेंगे। कहूँ कहूँ से जितना आएगा मेहमान सब उन लोग का हम लोग स्वागत करके घुसाएंगे, उसको गोड़ धोएंगे और लोग को बैठाएंगे, उसका बाद में कहूँ कि वो लोग को कहूँ नाश्ता पानी दे के फिर स्थान में बैठाएंगे तो फिर रात सगर हम लोग मने उन साथ उन लोग से साथ मने खेलना नाचना 12 महीना को 12 गो गीत 12 गो नाच होना है और मने पूर्वज के मने करा हुआ चीज के करेंगे, अपना बनौटी हम लोग नहीं करेंगे, वो चीज हम लोग हमें भूलते जा रहे हैं। बच्चा लोग भी अब देखता है ये नहीं तो सीखेगा कहाँ से, तो वही चीज यादगारी के लिए हम लोग मने हम लोग साल में होता था तो हम लोग कर रहे हैं कि मने सप्ताह सप्ताह में कर रहे हैं कि मने बिफे पूजा मने जैसे कि हम मेरा दुख आप जान रहे हैं आपके दुख हम जान रहे हैं और साल में कोई मर गया कोई है नहीं है वो तो भूलते जा रहे हैं ना, उसी के चलते मने हम लोग हर सप्ताह मने हर सप्ताह मने पूजा कर रहे हैं ताकि बच्चा लोग भी सीख जाएगा। हाँ तो ये जो झंडा है रामनवमी के दिन आप लोग नहीं बदलते हैं? नहीं नहीं वो बात नहीं है। तो चार दिन के बाद कौन सा दिन है जो आप बोल रहे हैं उस दिन कौन सी है आप लोग का? हाँ उस दिन क्या चीज है जो आप बोले झंडा जिस दिन बदलेगा? सरनाधार सरनाधार है माने हम लोग ये दिन स्थापना किए हैं ना हाँ मतलब हम लोग का हो रहा है ये 23 तारीख को हम लोग फर्स्ट जो किए थे ना हाँ, एक चीज मतलब झंडा चीज बदलना है वो 23 तारीख को रखा गया, 8 को था लेकिन 8 को सरहुल पड़ गया ना हाँ, इसके चलते हम लोग को मतलब टाइम बढ़ाना पड़ गया। ये जो है आज से 5-6 साल पहले यहाँ था ये सरना शुरू से था? नहीं था, अभी दूसरा स्थापना है। देखिए भैया पहले नहीं था, हम बोले नहीं ये हमको नया दिख रहा था, पहले नहीं था, दूसरा स्थापना है ये। इसके पहले कहाँ था? इससे पहले मतलब नहीं था यहाँ सरना, सरना जंगल माना जंगल में माना जाता था सखुआ पेड़ के पास। हाँ सखुआ पेड़ के पास, यहाँ देखो पेड़ नहीं सखुआ का, यहाँ पर सखुआ पेड़ नहीं लगाया गया है, छोटा छोटा है वहाँ पर भी लगाए हैं हम लोग। अच्छा तो वो बड़ा होगा फिर उसी का पूजा किया जाएगा, फिर झंडा तो ऐसी तो अपना खड़ा ही रहेगा। और एक चीज आपका लाखे ससुराल है? ससुराल नहीं है, हम लोग तो यहाँ के नहीं है बाहर के है, लेकिन यहाँ हम लोग रह रहे हैं तो हम लोग तो गांव में सब मतलब सरना रहता था लेकिन यहाँ पर लाखे में जंगल में होने के कारण यहाँ पर हम लोग को लाना पड़ रहा है। अच्छा कि कौन जाएगा जंगल में पूजा करने आज कल? अच्छा ठीक है, इस जगह जहाँ पर पूजा कर रहे हैं इसको किसका सरकारी जमीन था ये कोई मना किया? सरकारी जमीन नहीं कोई मना, कोई मना नहीं किया नहीं, सरकारी जमीन। भैया ये जमीन किसी का नहीं था? गैर मजरूआ जमीन है, सरकार का जमीन। फिर भी एक तरह से होता है ना कि सरना के तो जंगल पहुँचाना चाहिए था,
धर्म के नाम पर अपना एक्वायर कर लिया। हाँ। तो फिर बहुत लोग धर्म मठ बनाता है, मंदिर बनाता है, उसको एक्वायर करने देता है कैसे? नहीं, वो मंदिर वहाँ पर भी बन रहा है। बहुत जगह मंदिर संस्था का भी ना जमीन खरीद के बनाना पड़ता है, रोड के किनारे लोग कुछ लोग बना लिया है। हाँ वो तो फिर भैया एक तरह से इस तरह से धीरे धीरे हर जगह मंदिर मस्जिद बनते रहेगा। इतना जगह है ना, इतना जगह सरकार भी छोड़ देगा कि धर्म के नाम पर छोड़। हाँ, वो तो हम लोग को एप्लीकेशन लिख के देना पड़ेगा, दर्ज करना कराना पड़ेगा कि हम लोग का ये सब। इन लोग कहाँ लाखे की है? सब हम लोग का ही बेटी लोग है, ये लोग सब अभी। अच्छा, साफ सफाई के लिए। आप लाखे के हैं? नहीं, लाखे के हम नहीं है। तो हम डाटो के हैं। डाटो उधर? डाटो कटकम साली। हाँ, तो यहाँ आप घर बनाए हैं? जमीन लेके घर बनाए। अच्छा, अब न्यू कॉलोनी में रहते हैं? नहीं, भैया ये जो जगह है न्यू कॉलोनी वाला लोग बनाया है इसको? नहीं, मिल के लाखे का भी और न्यू कॉलोनी का भी। हाँ हाँ, उस दिन सबको हम लोग आएंगे, रहेंगे सबको। अच्छा, रहेगा पहनायन रहेगी। लाखे है तो लाखे वाला सब ने यहाँ किया है। हाँ, लाखे का नहीं है ये, बबन नाम जानते हैं? नाम जानते, कैसे जानते? हाँ, बबन महेश वही लोग मतलब यहाँ पर। अच्छा, सब मिल के पहन पहन कौन है? महेश है, महेश टिग्गा। तो जो यहाँ पर लाखे में कितना उड़ाव है? लाखे में तो ढेर सारा है, 10-20 घर है। तो यहाँ जो भी है इससे जुड़ा सरना सब उड़ाव लोग ही है ना? हाँ, सब ये माने उड़ाव सब है। जैसे कि देखिए, हम बोलते हैं कि माने ये पूजा है कि माने जिसका दुख दरार हुआ वो आता है, जनरलो आता है अपना कहूँ कि शांति मिलने के लिए, तो यहाँ आता है तो उसको शांति मिलता है, पूजा पसा करता है। हम लोग मना तो नहीं कर रहे हैं कि मत आइए सरना में से। अब देखिए, हम लोग भी जाते हैं, मंदिर जाते हैं, गिरजा भी जा सकते हैं, मस्जिद भी जा सकते हैं, मैंने मना तो नहीं है धर्म जगह में। उसी तरह से मैंने हम लोग भी यहाँ आता है तो हम लोग मैंने दुखी दरबार वो लोग यहाँ आता है तो वो लोग का काम मैंने पूरा होता है तो झंडा ही बदलता है, चढ़ाता है। तो इतना झंडा हर को अलग हुआ है, अलग अलग लोग चढ़ाया है। अलग मान झंडा वो है बड़ा वाला है, तो वो तो जैसे कि जिसको कहूँ कि बार बीमार हुआ यहाँ आके मैंने पूजा पाठ किया ठीक हुआ तो चीरा झंडा चढ़ाता है। वो पिछला साल वाला है, उससे पहला? हाँ, पिछला साल नहीं, वो किनारे वाला नहीं, ये एक है और बाकी बात सब मैंने चढ़ाया हुआ है। इतना झंडा एक यहाँ भी चढ़ा, एक पिछला भी चढ़ा है ना पीछे? हाँ, मैंने सब मैंने मिल गया, कोई मैंने चढ़ाया है। अच्छा अच्छा, काम पूरा हुआ तो वो अपना आकर चढ़ाया है। अच्छा, यहाँ बलि उली भी होता है? नहीं, यहाँ सादा सुखी वाला है। हाँ, सादा सुखी वाला। कहीं वाला नहीं है? कई जगह सरनाम बलि भी होता है? नहीं होता है, कहीं ना होता है, जंगल में होता है कहूँ। हाँ, मुर्गा देता है जंगल। हाँ, में उसको बोलता है जंगल पूजा। हाँ, जंगल तो पूजा, जंगल पूजा में वही गया ने सरनाम। जंगल पूजा एक दिन शिकार भी करते हैं आप लोग ने? शिकार अब सरकार करने देता है? हाँ, ये जानते भैया झारखण्ड में औरत वाला शिकार का एक है, औरत लोग ही शिकार करती है उसको, क्या है उसको बोला जाता है जनी शिकार। हाँ हाँ, समझ रहे हैं। खरगोश मारने वाला? नहीं, खरगोश भी कुछ भी, कुछ भी गांव देहात में हम। हाँ, जाएंगे ना। हाँ, तो मैंने जैसे कि आप ही लोग का कपड़ा पोशाक पहन के जाएंगे, पगड़ी बंधा के जाएंगे, पुरुष का वस्त्र पहन के महिला शिकार करती है। हाँ, जाते हैं तो अभी आपका घर के बकरी छगरी अगर रहेगा तो हम लोग मारेंगे, फिर भी आप कुछ नहीं करिए। हाँ हाँ हाँ, और नहीं बोलेगा। हाँ हाँ, सही बोल, मार के हम लोग ले जाएंगे। वैसा होता है जंगल में, तो जंगल है, और जैसे गांव देहात में होता है तो मैंने अभी भी कहीं कहीं हो रहा है। आप तो किए होंगे जनी शिकार पहले? किए हैं, पर करता है। 20-25 साल पहले किए थे कभी? यही तो बात है, ऐसे सरकार अब अपील करता है शिकार को बंद का, लेकिन पहले तो शुरू से होता था। झुक के झुक के करे वो काम अपना। इस सरना स्थल का निर्माण है, सरना स्थल जो है जनजातियों के लिए धार्मिक महत्व का स्थान है। एक देखिए, इसको कह सकते हैं एक आदि पूजा स्थान। यहाँ पर जो कोई मंदिर नहीं है, शुरुआत में जो हम लोग बोलते हैं कि मंदिर का शुरुआत कब हुआ, तो ये एक तरह से शुरुआत क्षेत्र है। जब आप शुरुआत में जब ज़मीन को पहले महत्व देते हैं, फिर ज़मीन का हम लोग पूजन करते हैं, या तो कहने का तात्पर्य ये है कि शुरुआती दौर में जब मंदिर से बनने के पहले का जो दौर है इस तरह, अब हम लोग इस आदिवासियों में ही सिर्फ काटा है, इधर सिर्फ आदिवासियों में अभी सीमित है। इसका मतलब है कि किसी दौर में हम लोग के लिए भी था कि जब मंदिर नहीं था, और अब जो है ये वही है।
कई जगह इसके पहले भी हम जो अभी बोलते हैं जन्नी शिकार, ये एक परंपरा है झारखंड में कि महिला जो है पुरुष का ड्रेस पहन करके शिकार करती है, ये बता रही थी। लेकिन अब सरकार जो है घटते जानवरों की संख्या के कारण इसका भी जो है अखबार तक में विज्ञापन आता है कि ये शिकार मत कीजिए। और ये कहना कि कई लोग जो है अवैध कब्जा किए हुए हैं मंदिर मस्जिद के रूप में हर जगह, तो ये कहना कि ये भी वही परंपरा है नहीं। लेकिन एक बहुत अच्छा बात बोली कि हम लोग मंदिर भी जाते हैं गिरजा भी जाते हैं, लेकिन हम लोग के लिए ये मान लिया गया है कि ये आदिवासियों का है, तो एक बड़ा हम लोग एक रेखा बना लिए हैं कि जो इस तरह का कर रहा है वो आदिवासी रहेगा, और हम लोग जो है मंदिर या जो भी कहें संस्थागत रूप से जब पूजा स्थल है वो एक इंस्टीट्यूट, ये जो है आपको किसी प्रोटोटाइप या प्रिमिटिव फॉर्म है धार्मिक स्थल का, और वो जो है एक इंस्टीट्यूशन के रूप में डेवलप हो गया है कि आपको मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा, गुरुद्वारा में भी जब मार्बल टाइल्स लग जाते हैं, मंदिर में सोना का जब परत चढ़ जाता है तो अत्याधुनिक मंदिर हो गया और भी देवता, और ये जो है उसका आदिम रूप है। तो इसको कोई अलग हम नहीं महसूस करते, हमको लगता है बस ये समय और परंपरा का, कुछ लोग जो अभी शुरुआती तरीके से जुड़े हुए, लेकिन हाँ इसमें है कि सोचिए मिनिमम है, मतलब कोई चढ़ावा नहीं, कोई धर्म कोई मंदिर बनाया नहीं, कोई कब्जा नहीं, तो बिल्कुल जिसको है उस रूप में रहना भी बहुत मायने रखता है। ये अब तो कोई किसी को मना नहीं किया है, आप कहीं भी जा सकते हैं, कैथेड्रल भी जा सकते हैं और कोई ब्रिटिश टाइम का पुराना चर्च भी, लेकिन इस रूप से जुड़ा रहना, लेकिन ऐसा हर चीज़ में संभव नहीं है किसी के लिए। कई लोग होता है कि पूजा पद्धति जो अभी प्राचीन रखे हुए हैं जनजाति, लेकिन उनका जो है रहन सहन खान पान और भी बहुत सारी चीज़ जो है उसमें अत्याधुनिकता प्रवेश किया है, तो हर स्तर पे एकदम प्रिमिटिव बनकर रहना किसी के लिए संभव नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो लोग फ़ोन जो अभी ये छिल रही बच्ची लोग जो है इन लोग फ़ोन यूज नहीं कर रही है या कोई मैगी नहीं खाती होगी, मेरा कहने का ये नहीं है कि नहीं खाना चाहिए, मेरा कहना है कि जीवन के हर चीज़ में प्रिमिटिव, खासकर हम लोग कल्चर और संस्कृति और परंपरा में ज़्यादा परंपरागत रहते हैं, लेकिन जीवन के अन्य चीज़ों में जो संस्कृति का हिस्सा है, भोजन है, वस्त्र है, अन्य चीज़ जो है जगह और दूरी और समय के शहर के समीप आने पर उसमें बदलाव आता है, तो ये कहना कि सारे जो है मापक जो हैं जिन पे कि हमें प्रिमिटिव का रूप हो ऐसा किसी के लिए संभव नहीं है, न आदिवासियों के लिए न हम लोग के लिए, कि हर चीज़ में जहाँ पर जिस तरह की स्थिति होता है उसके अनुरूप जो है हम अपने आप को बदलते हैं। ये अच्छा लगा, अभी शाम में टहलने जा रहे थे तो देखे कि हाँ छील इन लोग लड़की लोग घास छील रही है, तो हम सोचे क्या है, तो पता है तो हमको भी समझ में आ रहा था 2 साल पहले। इसका मतलब ये भी है कि नया नया कॉलोनी बसता है तो नया नया ये धार्मिक स्थल है, इसके पहले ये नहीं था कि आदिकाल से इस जगह था, ये जगह को भी इन लोग बोली कि 2 साल जो है 2 साल पहले बनाया गया। इसका मतलब है कि जैसे जैसे जनसंख्या का विस्तार हो रहा, नए नए सरना स्थल या नए नए जो लोग, कुछ लोग तो ये भी कहें कि आज़ादी के बाद देश में जो है अस्पताल और जिला की संख्या, शिक्षा विद्यालय की संख्या घट गई लेकिन मंदिरों की संख्या ज़्यादा बढ़ी है, हर कॉलोनी में मंदिर है। इसका मतलब है हर जगह ये मंदिर से ही नहीं, हर जगह धार्मिक संस्थान होना चाहिए, इसको मंदिर बोलने के बजाय धार्मिक संस्थान, चाहे वो मस्जिद हो, गिरजा हो, चर्च हो, सरना स्थल, हर चीज़ विस्तार हो रहा। तो ये जो है विशेष व्यक्ति से जुड़ा, लेकिन अस्पताल वगैरह को हम एक सेकुलर आइडेंटिटी मानते हैं, विद्यालय को कि अस्पताल में सबका इलाज होगा तो उसमें क्या हो, लेकिन इस तरह की चीज़ों को लोग श्रमदान के माध्यम से भी जो है सहयोग करते हैं, बाकी जगह है सरकार और अन्य चीज़ों से जोड़ते हैं, यहाँ पर कोई सरकार को ये नहीं कहता है कि आप दीजिए। ठीक है दोस्तों, ये था सरना स्थल जो खासकर उरांव या आदिवासियों से जुड़ा हुआ है।